बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं रज़िया महसूद इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। मेरे साथ कबायली इलाके के नामवर सोशल एक्टिविस्ट आबिद अफरीदी मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया रज़िया। तो आप अपनी तालीम के हवाले से बताएं, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, मुश्किल का सामना किया, क्योंकि मुझे पता है कि कबायली अज़ा के लोगों को मुश्किल काफ़ी फेस करनी पड़ती है। यही बात है सारी, मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तालीम तो हासिल नहीं कर सका मैं। उसकी वजह यही है कि जब मैं कॉलेज में था तो तब मुझे ये खबर आई कि हमारे घर से हमारे ही लोगों को निकाल दिया गया है, और मुझे पता नहीं था कि वो सब कहाँ चले गए। हमारे जानवर थे, हमारा पूरा घराना था, उसमें हमारी खवातीन थी, तो वो हमें पता नहीं था कि कौन से कैंप में उनको भेजा गया है, क्योंकि उनको शॉर्ट नोटिस पर निकाला गया था। ये मिलिट्री ऑपरेशन। जी। तो जब अब मुझे आप ये बताएं कि ऐसे हालात में जब आप वहां पढ़ रहे हो कि आपको पता चले कि पीछे से आपके गांव के ये हालात हैं, आपके वालदेन आपके भाइयों के साथ या फैमिली के साथ। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी में ही मैं पढ़ता रहा, तो उस दौरान भी ये सारी चीज़ें होती रही कि पेशावर में, अब मैं वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो खबर आती है कि पेशावर में जी पुलिस पर हमला हुआ है, तो जितने भी मदाफात में कबायली रहते हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। ये हुआ है मेरे साथ कि मैं पढ़ाई छोड़कर पेशावर आया हूँ, और मैंने अपने वालिद साहब को, जो मिलिट्री से ही रिटायर्ड है, मैंने उनको हथकड़ियों में देखा है कोर्ट के सामने, कि जिनको कैदियों के साथ बंधा हुआ था। मैंने वजह पूछी कि वजह क्या है, ये सिर्फ शक है, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है तो तमाम ट्राइबल्स को उठा रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो अब ऐसे हालात में तालीम मतलब हम पढ़ तो रहे थे, बट दिमाग जो था ना, और वो सारी ये चीज़ साइड थी, तो तालीम मेरी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और बस सिंपल से मेरी एजुकेशन है। हिस्ट्री में मैंने पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, बीकॉम किया हुआ है मैंने, और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन है मेरे पास, वो क्लियर कर रखी हैं। और कदर जानता हूँ मैं, क्योंकि यही ऑपरेशन कराची में भी हुआ है, और यही ऑपरेशन हमारे कबायली इलाके में भी हुआ है। अब कराची वालों को देख लो, जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है वो सारे सही सलामत है, आज वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, वो उनकी वजह है कि उनके पास तालीम है। मेरे और आपके जो 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 40-50 हज़ार लोग मारे गए हैं, उनके पास तालीम नहीं थी। अगर हमारे मशरान के पास तालीम होती ना, नौजवानों के पास तालीम होती, तो मुझे यकीन है कि हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हो चुका है। बिल्कुल, वो अपनी तालीम के जरिए, अपने शोर के जरिए खुद को संभाल लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं अपने लिए। ऐसा ही। अच्छा, आप कबायली अज़ला में आपने काम क्या किए? आपने पहले मुझे बताया कि इस हवाले से अगर हम बात ना करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बताना चाहिए, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी हम नाथिस्तान में जो लड़कियों के स्कूल पे हमला हुआ, बम से उसको उड़ा दिया वो प्राइवेट स्कूल, उसमें एक बच्ची की वीडियो थी, और फिर हमने देखा कि आपने उसको वहाँ से बुलाया उसकी इलाज के लिए, और आप इतना कोशिश कर रहे हैं, उसका इलाज होता है या नहीं होता, लेकिन बंदा खुद कोशिश करे। आपने वहाँ से उस बच्ची को बुलाया, और यहाँ पे कुछ दिनों से वो आपके साथ हैं, स्टे का बंदोबस्त और ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, कैसे ये ख्याल आता है, और कैसे इसके लिए आपको कर लेते कि मैं ये काम करूँ, मैंने खुद को, मैं ये समझता हूँ कि मैंने कबायली इलाके के लिए खुद को वक्फ कर रखा है। इस मेरे बड़े सपने थे, मेरे ख्वाब थे कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ मेरे अपने ड्रीम्स थे। मैं कोई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं चाहता था कि मैं कहीं मुलाजिम बन जाऊँ, बट ये है कि जो कुछ हमारे इलाके में हुआ है तो कम अज़ कम मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है। आपने जो बात की है नॉर्थ वजीरिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान या अपर लोअर या कुरम, मैं कबायल हूँ, मैं अपने आप को एक कबायल कहता हूँ, कबायल समझता हूँ। तो जब मैं कबायल हूँ तो मेरे हुदूद बाजौर से शुरू होते हैं और वजीरिस्तान के बिल्कुल एंड तक। यहाँ जो भी है, चाहे वो महसूद हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो बच्ची हो, बड़ी हो, वो तकलीफ में, मुमंद हो, बाजौड़ी हो, वरकजाई हो, अफरीदी हो, वो सब मेरे अपने हैं, मेरे लिए कोई ये बात मैटर नहीं है। अब ये तो छोटी बच्ची, एक बच्ची थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो उसमें सबसे पहले जिम्मेदारी हम ट्राइबल की बनती है कि जो हमसे हो सके उसके लिए कर लें हम। अगर वो बच्ची, जिस कदर मैं उसको देख चुका हूँ, आप यकीन मानिए कि लोग समझते हैं कि उसका एक पाँव अपाइज है, एक पाँव नहीं है, वो जो हाथ उसने, उस बच्ची ने इस पाँव के ऊपर रखा हुआ है, उसका ये हाथ भी इंगेज है।
वो पूरा जो झुक कर वो चल रही है, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इंगेज है, सिर्फ पाँव की बात नहीं है ये, वो बच्ची मुकम्मल तौर पर डैमेज है। अब डॉक्टरों से इंशाल्लाह मेरी बात हो रही है, तो अगर वो अव्वल तो ये कोशिश है, डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो बिल्कुल चल सकेगी, अगर वो चल ना सकेगी तो मैं ये रिक्वेस्ट बार बार डॉक्टरों से कर रहा हूँ, पूरा एक पैनल है, कि कम से कम उस बच्ची का हाथ जो है ना वो ऊपर आ जाए, वो जो झुक के चल रही है ना उसका ये झुकाव खत्म हो जाए। तो अल्लाह, मैं तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें कि वो बच्ची ठीक हो जाए। और सिर्फ एक बच्ची नहीं, बहुत सारी तो सोशल मीडिया वायरल केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जो इस वक्त एडमिट हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो मुसीबत जदगान हैं। मगर यह है कि वही बात मैं कर रहा हूँ कि अब वो पुराने पिछले उस पर मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम कोई ऐसा तो है नहीं हमारा कि हम लोगों को अपने काम गिनवाते रहें, हमारा तो काम ही है काम करना। हमारे कबायली अजला जो है वो काफी पसमानदा रह चुके हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार है, इस तरह अगर हम फीमेल के साइड पे जाए तो उसके लिए भी ग्राउंड पे ना कुछ हुआ है और ना कोई मौके है। किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम कबायली अजला के नौजवानों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी नजर में क्या समझते हैं आप? नौजवानों को रोजगार, मेरे ख्याल से रोजगार प्रोवाइड करना तो अभी कबल अज़ वक्त है ये वाला टॉपिक कि हम इस बहस में या इस जस्तजू में लग जाएगा, नौजवानों को रोजगार कैसे वो किया मुहैया किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले नौजवानों का माइंड सेट रोजगार के लिए कैसे तैयार किया जाए, उनको बताया क्या जाए कि आप कौन सा रोजगार कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास। मेरा सवाल भी इस हवाले से है कि मतलब हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, अब अक्सर हमारे नौजवान ऐसे हैं कि उनके पास डिग्रियां हैं, उन्होंने डिग्री कर चुके हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की हद तक उनकी सोच महदूद है कि हमें सरकारी नौकरी ना मिली तो बस हमारा मुस्तकबिल जो है वो खराब हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे इन नौजवानों को इस साइड पे हम लेकर आ सकते हैं कि खुद कमाएं और खुद जो है? इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी हमने एक एग्जाम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं जो पूरे कबायली इलाके के लिए होगा, उसमें हम कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं, कुछ टॉपिक रिलेटेड बुक्स दे रहे हैं स्टडी के लिए, और उसका हमने जो मतलब हम जो नसाब रख रहे हैं उस टेस्ट का, उसमें यही चीज़ें हैं माशियात के ऊपर कि आपके इलाके में जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, मेरे और आपके इलाके में एक हम जिसे पश्तो में मानदते कहते हैं खुबानी, अब इसी खुबानी को ले ले, अगर ये खुबानी मैं और आप खुश करके इसको पैक कर दें तो ये खुबानी मैं और आप अपने ही इस इलाके से अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। बट ये है कि हमारे और आपके पूरे इलाके में होता क्या है कि हम ये जानवरों को खिला रहे होते हैं, दरख्तों के नीचे ढेर जमा हुआ होता है, हो जाते हैं। ये आलू बुखारा है मेरे और आपके इलाके में। अच्छा, हमारे और आपके इलाके में आलू बुखारा भी वाइट वाला है, आपको पता है सबसे महंगा आलू बुखारा है इसका जो वो बनता है, इब्ने फाजिल साहब हैं पंजाब के, वो बड़ा काम करते हैं इन चीजों के ऊपर, फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग पर। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ये वाइट आप लोगों के इलाके में ये आलू बुखारा है, इसका जो सुबह बच्चे जैम वगैरह वो यूज करते हैं वो बनता है और सबसे महंगा है, महंगी इसकी कीमत है बहुत इसकी। सेब हमारे, और मैं वजीरिस्तान गया हूँ, मैंने देखे हैं कि सेब को बच्चे गुलेल से मार के गिरा रहे थे, इतने सेब, बड़े बड़े सेब थे वो। आप यकीन मानिए कि सेब का अगर आपने सिरका निकाल लिया ना तो उस सिरके की कीमत अगर आपको पता चल जाए तो वो इतनी महंगी कीमत से। वजीरिस्तान में आपने देखा होगा एक दरख्त है जिसको हम अपनी जुबान में शावना कहते हैं, खावना शावना, जैतून। आप एक जैतून, अभी एक जैतून में ग्राफ्ट लगा लें, आप जैतून का जंगली जैतून में आप ग्राफ्ट लगा लें, 5 साल बाद ये एक ही दरख्त आपको अराउंड 30,000 रुपीज आपको ये हर साल के दे रहा होगा। अब बिल्कुल जैतून पे अगर हम जैतून की बात करें तो जैतून पे अब जो है लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनका जो वाइल्ड ऑलिव ऑयल है वो भी निकाल रहे हैं और बाकी अब वो तो मेरे ख्याल से वो ब्लैक वाला ऑयल निकल रहा है। जी जी जी। जो ग्राफ्टिंग भी जो है उसकी वो जबरदस्त, ये तो ये चीजें हमने बताई हैं। और ये ग्राफ्टिंग की चीजें, ये मैं आपको बताऊं, ये कराची के एक साहब है, उनका नाम मैं भूल गया, फयाज आलम साहब, डॉक्टर फयाज आलम साहब। मैं ये समझता हूँ कि जो वजीरिस्तान में ग्राफ्टिंग पर काम हो रही है ये भी डॉक्टर फयाज आलम साहब ने ही वो बताया होगा।
बिल्कुल, ये वाइल्ड ऑलिव ऑयल के जो अभी टेस्ट हुए हैं ये भी डॉक्टर फैज आलम ने कराची में किए हैं, उसके टेस्ट केस में ये चीजें हैं और काफी जो है उसके। तो अब डॉक्टर फैज आलम कराची से आकर ये बात बताता है, तो इस पर अब उन्होंने बता दिया है, अब काम इसको इम्प्लीमेंट करवाना मेरा और आपका काम है। जब मैं कराची में था तो ये बात मुझे बुरी लगती थी जब मैं कराची में था कि भाई ये क्यों कहते हैं कि गैर मकामी या पश्तूनों को निकाल दो, या माजीन अगर अल्ताफ हुसैन ने कहा है या आफाक अहमद कहता है, तो ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये बातें हमें बुरी लगती थी। पर अब जब मैं खैबर पख्तूनख्वा आया हूँ और यहाँ मैंने ये चीज देखी कि हमारे कबाइल के दरमियान, आपको पता है कि कबाइल में हमारे आपस में अपनी अपनी जमीनें होती हैं, हमारी मलकियत होती है वो जमीनें, अगर मेरे कबीले की जो जमीन है उस पर मुखालिफ या मेरी जमीन पर मुखालिफ कबीले के जानवर भी चरने के लिए आ जाते हैं तो हमारे लोग वो जानवर पकड़ कर रख लेते हैं और उनसे फिर जुर्माना मांगते हैं। हमारे गाँव में एक दरख्त है जिसे हम मेजरी कहते हैं, माजरा, वो आप मतलब जो मेरी शानगात में ऐसे है ना उसमें से कोई दूसरा नहीं काट सकता क्योंकि उसे मैं अपनी वो समझता हूँ, मेरे वसायल हैं वो सारे का, वो मेरे वसायल हैं। अब कराची का मामला देख लें तो कराची के जो लोग हैं जहां तक मेजोरिटी है वो उर्दू स्पीकिंग है, अब वहां जो पानी की किल्लत है तो ये मेरे ख्याल से ये गैर मकामियों की वजह से है। अगर ये गैर मकामी वाकई में वहां से आ जाए तो कराची के लोगों के लिए पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। वहाँ जो पढ़ाई में मसला बना हुआ है, वहां पर जो तालीम एक कॉलेज पर एक पूरा बढ़ तो वो भी गैर मकामियों की, वो वसाइल हमें इतराफ करना पड़ेगा, वसाइल वो उनके हैं, उर्दू स्पीकिंग या सिंधी उनका आपस में मामला है, मेरे और आपके नहीं है, पख्तूनों के तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हमें इतराफ करना पड़ेगा, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं। चाहे लाख हमारे वहां के पख्तून MP सिंधी चादर पहन ले, सिंधी टोपी पहन ले, वो वहां के लोग नहीं है, वो वसाइल भी उनके नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वाले पख्तून भी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। अब इसमें वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में हम, जैसे आपने रोजगार की बात की कि लोग बाहर जाते हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा में रोजगार नहीं है तो फिर तो अफगानिस्तान में लोगों को भूखा मर जाना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा लैंड लॉक है, यहाँ समंदर नहीं है, इस वजह से रोजगार नहीं है, तो पंजाब के लोगों को भूखा मर जाना चाहिए। पंजाब में कौन सा समंदर है, फैक्ट्रियां बनी हुई है, लोग यहाँ से रोजगार के लिए जाते हैं, वहां समंदर तो नहीं है। तो ये काम हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो लोग अपना सरमाया यहाँ ले आए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, हाँ मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि जो आपको अगर कोई पंजाब का बंदा कह रहा है कि निकलो यहाँ से, या सिंध का बंदा किसी पख्तून को कह रहा है, तो ये मेरे फेवर में बात जा रही है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे एक बात ये है कि हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें कि यहाँ पे अमन नहीं है, हालात खराब है, टारगेट किलिंग है और इस तरह के पत्ता वसूली के मुख्तलिफ वाकियात हो रहे हैं, तो फिर लोगों का ये भी एक वो है कि अमन अमान नहीं है तो हम यहाँ पे अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बदआमनी मेरे ख्याल में कराची से कम है, अगर आप कराची को कंपेयर करें खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो कराची से कम है बदआमनी, चीना जबकि। हाँ दहशत गर्दी है यहाँ पर, दहशतगर्दी और बदअमनी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दहशतगर्दी है यहाँ पर हमारे कबायली इलाके में बिलखसूस, बट बदअमनी आप कराची में ना किसी ATM में जब आप घुसेंगे ना, आपको कुरान शरीफ के आपने जितनी भी आयतें याद होगी ना वो आपको वहाँ पढ़नी पड़ेगी ATM में, वरना तो आपको तसल्ली नहीं होगी। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ नहीं है, वहाँ आप मोबाइल फ़ोन नहीं निकाल सकते, यहाँ पर आप अंदरून ऐसे में इससे ज़्यादा बदअमनी है, वहां पर आप वडेरा राज है, वहां पर आप अभी कच्चे के डाबू वहां पर, तो मतलब इस तरह के हालात के बावजूद भी वहां जिंदगी का पहिया चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलेगा। अब दहशतगर्दी है या जिसे आप बदअमनी कह रही हैं, ये बदअमनी खत्म किसने करनी है? अगर घर मेरा है तो ये तो उसका भी, ये भी तो हल नहीं बनता है ना कि मेरे घर में हालात ठीक नहीं है तो मैं घर को छोड़ के जा रहा हूं, इससे हालात ठीक हो जाएंगे क्या? इसको फेस करना पड़ेगा, इसको हर हाल में हमें फेस करना पड़ेगा, तो तब ही जाकर ये बदअमनी भी खत्म होगी। ये चैलेंज है, ये टारगेट वो है हमारे लिए, बट इसका हल ये नहीं है कि इसको छोड़कर हम चले जाएं, जैसे कुत्ते साथ छोड़ दें और निकल जाएंगे, जी वहां तो बदअमनी है, वहां हम नहीं रह सकते, तो फिर किसी और ने भी आकर यहाँ नहीं रहना है ना, उसने बदअमनी खत्म करके दे दी है। ये मैंने और आपने ही करनी है खत्म, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, इसके खिलाफ हमने निकलना है, सर माल जान तन मन इसकी परवाह किए बगैर हमने निकलना है, क्योंकि ये एक जिंदगी की बात नहीं है। मेरे और आपकी सूबे की आबादी 6-7 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो
तो और इतना दरखेज सूबा माली वसाइल या आप मदनी वसाइल के लें सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो हम छोड़ के तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटीज जिस तरह आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है बच्चों के लिए आईटी सेंटर कंप्यूटर लैब बना रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, बलोचिस्तान में भी आपने एक बनाया है, तो फिर समझती हूँ कि अगर इस तरह के इकदाम हों तो फिर हम काफ़ी हद तक अपने यूथ को अपने बच्चे बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेकर आ सकते हैं, बजाय इसके के लिए कि हम यहाँ से भागे दूसरे शहरों में जाए। तो ये भी एक जो है आपकी अच्छी कोशिश है और अच्छी एक सोच है कि आप समझते हैं कि हमें अपने इलाके छोड़ के भागना नहीं चाहिए, दूसरे शहरों का रुख नहीं करना चाहिए, अपने ही इलाके अपने ही खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे वो परिस्थिति बदलनी और ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल हो सकती है। देखिए रोजगार आ जाए ना तो मेरा यकीन है कि बदलनी भी इसी वजह से है कि बेरोजगारी है। अब एक बेरोजगार आदमी का आप सब कुछ कर सकते हैं, उससे आप कोई भी काम करवा लेंगे, बंदूक उसके हाथ में पकड़ा के कुछ भी उससे करवा लेंगे, मुझे कुछ रोज पेट पालने के लिए वो उसने कुछ भी करना है, किसी से भी चोरी कर लेता है, किसके साथ भी वो, अगर आप उसकी एक फैक्ट्री लगा दें इलाके में ना तो वो लड़ाई छोड़ देगा, वो आपकी फैक्ट्री में काम करना शुरू करेगा, उसके पास कोई जरिया है ही नहीं, तो यही अब ये रोजगार बन चुका है यहाँ, जिसे आप बदमनी कह रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजगार की शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो इसका आप अल्टरनेटिव दे इंशाल्लाह ये चीज़ खत्म हो जाएंगी। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप फिर में? मैं पैगाम तो नौजवानों को दूंगा और नौजवानों को मैं यही पैगाम दूंगा कि ये जो कबायली इलाका है, ये जो पख्तूनख्वा है, इसके मालिक अभी आप लोग ही रह गए हैं, किसी और ने नहीं आना है, जो यहाँ सोशल मीडिया पर मौजूद है, जो अभी छोटे छोटे लड़के मैं देख रहा हूँ पार्टीज के रहनुमा बन चुके हैं, तो इनको मैं ये बता रहा हूँ कि अब यहाँ के करता धरता आप लोग ही हैं, वो जो हमारे बड़े थे जो बुजुर्ग थे वो बेचारे रिटायर्ड हो गए हैं, अब देख लें आपकी ये पूरी पख्तून आबादी आप लोगों को देख रही है और यहाँ ख्वातीन है, यहाँ बच्चे हैं, तो अब आपने जो गोल सेट करना है टेक्नोलॉजी को जहन में रखकर करना है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमें टेक्नोलॉजी पर काम करना है, तालीम की तरफ जाना है, और बुजुर्गों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ज़्यादा तमाशा का वही नौजवान हो बच्चे और तंग और ना कहीं। ये थे हमारे साथ आबिद अफरीदी, इनकी बातें आप लोगों ने सुनी, इनके ख्याल भी आप लोगों ने सुने, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हम किसी दूसरी शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हाफिज़।